कि आपके कह सकते हैं कि अपने जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें वो चीज ने आपका बहुत ही साथ निभाया। तो मेरा नाम है अंकित फ्रॉम चटोरा अंकित और आज हम आए हैं एक ऐसे कैफे में जो कि आपके कह सकते हैं कि अपने जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें वो चीज़ ने आपका बहुत ही साथ निभाया था, मतलब आपके एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना था। तो आप सोचिए और कमेंट करके बताइए। तब तक हम आगे की वीडियो प्रोसीड करते हैं और थोड़ी देर बाद वीडियो में आगे जाके इसका खुलासा होगा कि कैफे किस थीम पर बेस्ड है, सब आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो वीडियो में बने रहिए। अभी हम आ गए हैं चीयर्स टू लाइफ के किचन में। ये हमारे शेफ हैं, तो जानते हैं हमारे शेफ से कि आज हम क्या खाने वाले हैं। तो शेफ, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आज आप हमें क्या खिलाने वाले हो फिर? सर, हमारे चीयर्स टू लाइफ कैफे में बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको मैं हमारा स्पेशल मॉकटेल कीवी मिल्क कूलर खिलाना चाहूँगा और उसके बाद फिर आपको अपना तंदूरी नगेट्स और पोटैटो वेजेस साथ में सर्व करवाएंगे। उसके साथ हम सर हमारी स्पेशल डीप सॉस है तो वो आपको टेस्ट कराना चाहेंगे और उसके बाद हम सैंडविच देंगे, उसके साथ चाय देंगे, केसर पिस्ता चाय। अच्छा, चलिए तो फिर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, आप यहाँ पे मेकिंग बनाइए। तो भाई ये देखिए, हम लोग की सबसे पहली मॉकटेल कीवी मिंट कूलर आ गई। इसमें दिखाता हूँ आपको, ऊपर सोडा डाला हुआ है और अंदर मिंट फ्लेवर है और अंदर कीवी भी है। और ये देखिए कितना प्यारा गार्निशिंग किया हुआ है, जो कि भैया की बहुत मेहनत लगी है चेफ के हमारे, इसको बनाने में 5 से 10 मिनट लग गए उनको। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। वाओ, बहुत रिफ्रेशिंग है, स्वीट, स्प्राइट का फ्लेवर, सोडा का फ्लेवर, मतलब सब कुछ बैलेंस है। मतलब मैंने 2-3 जगह पे ना मॉकटेल्स पिए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कहीं पे ना खट्टा ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे मीठा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये जो है ना बहुत परफेक्टली बैलेंस्ड लग रहा है। और उसमें बर्फ़ भाई साहब हेवन का काम कर रहा है, और ठंड तो है ही, तो ठंड में ठंडा पीने का आपको भी पता है कितना मज़ा आता है। सर्दियाँ लग जाती है लेकिन हम ठंडा पीना नहीं छोड़ते। तो ये कुछ वैसा वाला चीज़ है कि आपको मस्ट ट्राई करना, ठंडी लगे, गर्मी लगे, जुजू लगे, कुछ भी हो, आपको ये ट्राई करना ही है। तो ये बिल्कुल ट्राई कीजिए यहाँ पे। इसका नाम है कीवी मिंट कूलर।
ये देखिए हमारी स्टार्टर की प्लेटिंग सज चुकी है यहाँ पे। ये देखिए दूसरी ड्रिंक है, ये मिल्क के साथ है, ये पिना कोलाडा है। और ये पांच तरीके की डिप मुझे सर्व हुई है। ये रोस्टेड वेजिटेबल है, ये स्पिनच है, ये कुछ तो अलग डिप थी, स्प्रिंग ऑनियन थी ये, और ये था कॉर्न वाला कुछ, और ये रेड वेलवेट है। तो मैं एक एक करके, सबसे पहले तो पिना कोलाडा से स्टार्ट करता हूँ, फिर एक एक करके टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगा। ये पोटैटो वेजेस है और ये नगेट्स है, तंदूर नगेट्स। तो चलिए टेस्ट करते हैं पिना कोलाडा सबसे पहले। ये देखिए गार्निशिंग की हुई है कितनी बढ़िया। हाय हाय, गजब। साइड साइड में नारियल की गार्निशिंग की हुई है और ऊपर देखिए डिज़ाइन कितना मस्त बनाया हुआ है, चॉकलेट से है यार। हल्का हल्का पाइनएप्पल का फ्लेवर आ रहा है और मिल्क है इसमें, स्वीटनेस बैलेंस्ड है, बहुत ही बढ़िया। ये मतलब दूसरी मिल्क वाली आइटम है जो आपको मॉकटेल्स वगैरह में, शेक्स वगैरह में ट्राई करने जैसी है। तो चलिए एक एक करके आपको डिप्स का टेस्ट बताते हैं। मैं तंदूरी नगेट्स लेता हूँ और ये रोस्टेड वेजिटेबल वाले के साथ टेस्ट करता हूँ। ये वैसा है जो स्पाइसेस खाते हैं ना, स्पाइसी खाना, ये उनके लिए है। मतलब स्पाइसी है, थोड़ा सा मीठा नहीं है इसमें, नमकीन है एकदम। तो ये एक वो चीज़ है। ये स्पिनिश वाला ट्राई करते एक बार। नाम खुद कह रहा है स्पिनिच, पालक का फ्लेवर। इसमें भी स्वीटनेस तो नहीं है, नमकीन वालों के लिए है ये, लेकिन हाँ ये स्पाइसी नहीं है। मतलब नॉर्मल लोग जिनको स्पाइसेस ज़्यादा खाना पसंद नहीं है तो ये ट्राई कर सकते हैं ये डिप। अब इस बार पोटैटो वेजेस के साथ ट्राई करते हैं। ये देखिए तीसरी डिप। ये बढ़िया है, ये मेरे लायक है क्योंकि मुझे हल्का सा टैंगी पसंद है। तो ये डिप है जो हल्की सी टैंगी है, देखिए टेक्सचर कितना मस्त लग रहा है। हाँ ये डिप्स आपको एक साथ में सर्व नहीं होगी, आपको इसमें से जो भी चाहिए आपको, आपको एक डिप सर्व होगी। ये तो मुझे वीडियो के लिए इन्होंने प्रेजेंट किया है, पांच डिप्स एक बार में प्रेजेंट कर दिया है। ये है कुछ कॉर्न वाला जो शेफ ने मुझे बताया, ये ट्राई करते हैं। ये देखिए एकदम फ्लेवरफुल। ये भी मज़ेदार, ना बहुत ज़्यादा मीठा, ना बहुत ज़्यादा खट्टा, ना बहुत ज़्यादा तीखा, सबका एकदम ब्लेंड मिक्सचर टेस्ट आ रहा है, पूरा मज़ेदार लग रहा है ये। और ये पांचवा डिप, ये बढ़िया लग रहा है, इसमें हल्का सा, एकदम हल्का सा स्वीटनेस लग रहा है, खट्टा लग रहा है और तीखा लग रहा है। मतलब आपको तीनों का एकदम परफेक्ट ब्लेंड दिखेगा, लेकिन इसमें हल्का सा स्पाइस का टेस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो ये उन लोगों के लिए जो मतलब टैंगी वगैरह खाना पसंद करते हैं, ये डिप उनके लिए है। तो चलिए ये पांच डिप्स की आपको चीज़ें बता दी, इसको ख़त्म करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट सैंडविच के साथ मिलते हैं। तो भाई ये देखिए, ये आ गई अपनी मेन चीज़ सैंडविच, जो चीयर स्पेशल सैंडविच है। और ये देखिए कितना लोडेड है, अंदर पनीर वगैरह डाला हुआ है, आलू डाला हुआ है, चीज़ डाला हुआ है, कॉर्न है इस तरफ। तो इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रिल हुआ है, और आपको स्टफिंग दिखाता हूँ अंदर से।
आलू वगैरह है, टमाटर दिख रहा है मुझे, चीज़ दिख रहा है, ग्रीन चटनी दिख रही है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। उसको ख़त्म करते हैं, फिर हमारी केसरी चाय आ रही है, वो पीते हैं और ओनर से बात करते हैं यहाँ के। तो भाई जैसा कि आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं इस कैफ़े के बारे में जो कि आपके लॉकडाउन के इंटरटेनमेंट का साधन रहा था, बहुत आपको हेल्प किया। तो इस तरफ मूव करके दिखाइए ज़रा सा। ये देखिए लूडो। हाँ, जैसा कि आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था एक साल का पूरा 6 महीने का, जब आप घर पे बैठे हुए थे, आपने भर भर के लूडो खेला होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और बहुत बढ़िया बढ़िया टाइम स्पेंड किया था। वैसे ही ये कैफ़े में भी एक बढ़िया सा बड़ा सा एकदम मैसिव सा लूडो टेबल है, और यहाँ पे आने वाले दिनों में नए साल में यहाँ पे कई सारी लूडो चैम्पियनशिप चलने वाली है। इनका थीम ही लूडो बेस्ड कैफ़े है, जो कि यहाँ पे बड़े बड़े गोटियों के साथ, इधर दिखाइए ज़रा सा, बड़े बड़े गोटियों के साथ यहाँ पे बढ़िया सा एकदम आपको लूडो खेलने में मज़ा आएगा, आपको एकदम 3D फील होगा, मज़ा आ जाएगा ये जगह पे। तो यही चीज़ थी जो मैंने आपको इंट्रो में बताई थी यहाँ पे कवर करने जैसा ये था। और यहाँ से व्यू दिखाइए, इधर आइए ज़रा सा, इस तरफ आगे आइए ज़रा सा, ऊपर से देखिए कितना शानदार लग रहा है ये, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको ये लुक देख के। ये देखिए क्या शानदार लुक है यहाँ से। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पे खाना खाया, मैंने कहा था कि हम केसरी चाय के साथ बात करेंगे, लेकिन somehow क्या हुआ कि हम लोग जिस दिन शूट कर रहे थे उस दिन की इंटरव्यू की क्लिप करप्ट हो गई है, तो हमें ज़बरदस्ती दूसरे दिन आके ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और हमारे साथ में यहाँ के ओनर, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चीयर्स टू लाइफ कैफ़े के बारे में। तो सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो अंकित, मेरा नाम प्रतीक है एंड चीयर्स टू लाइफ मेरा कंसेप्ट है कैफ़े का। एंड ये कंसेप्ट एक्चुअली इस तरह से चालू हुआ कि हमने लॉकडाउन के अंदर ये सोचा कि लोग बहुत ज़्यादा लूडो लवर बन गए, ऑनलाइन के अंदर वो लोग लूडो प्ले करना चालू कर दे, तो क्यों ना एक ऑफलाइन का एक्सपीरियंस उनको मिले ताकि लोग ग्रुपिंग करके यहाँ पे एंजॉय करें। तो इस हिसाब से ये पूरा कंसेप्ट हमने चालू किया। तो एक तरफ इस तरफ फोकस मार के दिखाइए कि ये बढ़िया सा मैसिव सा बोर्ड है यहाँ पे, जहाँ पे आने वाले दिनों में चैंपियनशिप होने वाली है, बहुत बढ़िया बढ़िया, अभी थोड़ा इस पे वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो सर हमारे व्यूअर्स को एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। ये अपना सूरत के अंदर रिबाउंड्स एरिया जो गेम जोन है वेसू के अंदर, उसके पास हैप्पी गोलमैन शॉपर्स नाम का एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे अपना ये चीयर्स कैफे। अच्छा, तो भाई जैसा कि आपने सुना रिबाउंड्स के पास जो एट द हॉर्स जो आपका पड़ता है उसके ही जस्ट बाजू में गली जाती है, उधर से अंदर आ जाना है आपको, हैप्पी गोल्ड माइन कॉम्प्लेक्स का नाम है, वहाँ पे चीयर्स टू लाइफ कैफे, बहुत ही कमाल का कैफे है, यहाँ पे आना है। सर हमारे व्यूअर्स को एक बार यहाँ की टाइमिंग्स बता दीजिए। टाइमिंग्स नॉर्मली यहाँ पे 12 से 12 रहता है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट लॉकडाउन एंड कर्फ्यू टाइमिंग्स 12 से 12 हमारा टाइमिंग्स है। अच्छा। जो वेरी करेगा, कर्फ्यू अगर आता है तो उसके हिसाब से वो वेरी करेगा। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अभी कर्फ्यू वाले थोड़े सीन्स चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर एंड नीचे हो सकता है, लेकिन ये इनकी सर्विसेज 12 घंटे की है, 12 टू 12 ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर ये सब सिचुएशन थोड़ा सा शांत हो जाए उसके बाद, तो आप ज़रूर विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा इस जगह पे।